हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की हमारी रेसिपी है ज़ीरो ऑयल भिंडी मसाला, जिसके लिए हमने लिया है 100 ग्राम भिंडी जिसको हमने 1 इंच के साइज़ में काट के रखा है, 2 कांदा लिया है जिसको हमने फाइन चॉप करके रखा है, 1 टमाटर लिया है जिसको हमने बारीक काट के रखा है, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टी स्पून हल्दी, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून जीरा पाउडर, 1 स्पून गरम मसाला। पहले हम भिंडी में जो है थोड़ा सा आमचूर पाउडर लेंगे, स्प्रिंकल करके उसे मिला के रखेंगे। उससे क्या होगा, भिंडी जो है वो स्टिकीनेस नहीं छोड़ेगी जब हम उसे बनाएंगे। इस तरह से हमें रख देना है भिंडी को। तब तक अभी हम मसाले की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम कांदा डाल के भूनेंगे। कांदे को हमें मिलाते जाना है क्योंकि ऑयल नहीं डाला हुआ है। जो कांदा जो अपना पानी छोड़ेगा उसमें ही वो पकता भी जाएगा, लेकिन वो कढ़ाई को न लगे इसीलिए हमें घुमाते रहना है उसे। ये देख सकते हो आप, लेकिन कांदा पकने को टाइम लगेगा क्योंकि ऑयल नहीं है इसमें और थोड़ा क्रंचीनेस रहेगा उसमें, एकदम सॉफ्ट नहीं होगा। ये देखो हल्का हल्का अभी कलर चेंज हो रहा है और जैसे पानी सूखता जाएगा वैसे ही कलर चेंज होता जाएगा। ये देखो अभी आपको दिख रहा होगा कि कलर चेंज होता जा रहा है और पानी भी सूखने लगा है, मींस उसका जो कच्चापन रहेगा कांदे का वो कच्चापन अभी हट गया है, अभी कच्चापन नहीं है उसमें, अभी लाइटली कलर चेंज होता जाएगा। ये देखो हल्का कलर चेंज हो गया है। अभी हम और 2 मिनट इसको पकाएंगे। इसमें डालेंगे भिंडी जो हमने स्प्रिंकल करके रखे थे आमचूर के साथ। भिंडी को भी इस तरह से हम घुमाते रहेंगे और आप देखोगे अभी कि स्टिकनेस नहीं छोड़ेगा। वैसे भिंडी हम जैसे डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा स्टिकी अलग होता जाता है, इसमें नहीं होगा क्योंकि हमने आमचूर मिला के रखा हुआ था। पाँच से 7 मिनट तक हम इसी तरह उसे पकाएंगे कांदे के साथ और टमाटर डालेंगे। अभी हम इसमें मसाले डालने वाले, पहले डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, इसमें डालेंगे जीरा पाउडर 1 चम्मच, आमचूर पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। मसालों को अच्छी तरह से भिंडी के साथ मिला देंगे और धीमी आंच पे इसको पकने देंगे हम लोग 5 से 7 मिनट। और हमें थोड़ी थोड़ी देर में घुमाते रहना है क्योंकि जैसे भिंडी जले नहीं, अच्छी तरह से उसको घुमाते रहना है 2-2 मिनट में हमें। ये देख रहे हो भिंडी भी पक रही है अच्छी तरह से और टमाटर भी सॉफ्ट होने लगा है। अभी हम ढक के भिंडी को पकने देंगे, 5 मिनट के बाद हम खोल के देखेंगे, अच्छी तरह से घुमाएंगे, मसाले जलने नहीं चाहिए, अच्छी तरह से घुमाने का और देखने का। भिंडी सॉफ्ट हो गया है तो आपका मसाला भिंडी तैयार हो चुका है। बोल में शिफ्ट करेंगे और गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ। ये हमारे बनकर तैयार है 0 ऑयल में मसाला भिंडी। उम्मीद है दोस्तों आपको यह हमारी रेसिपी पसंद आएगी, 0 ऑयल मसाला भिंडी। पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक करना न भूलिए। थैंक यू सो मच।